हमने आपको पहला वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि हमारी पृथ्वी फुटबॉल के आकार का गोल है और हम उस फुटबॉल के जैसे गोले पृथ्वी के ऊपर हम लोग किस प्रकार से रहते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि फुटबॉल के ऊपर कोई भी वस्तु रख कर अगर फुटबॉल को घुमाए तो वस्तु नीचे की ओर गिरने लगता है, और उसी प्रकार हम लोग पृथ्वी के ऊपर से नीचे क्यों नहीं गिरते, पहला वाला वीडियो की जैसा इस वीडियो में भी बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। उसी वीडियो के जैसा ही इस वीडियो पर भी प्यार बरसाइएगा। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को जरूर देखें। उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पर यहाँ मिल जाएगा, और हम ऐसे ही ज्ञान विज्ञान की वीडियो आपके सामने लाता रहूंगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि हमने आपको पहला वीडियो में बताया कि हम लोग पृथ्वी के ऊपर इस प्रकार से रहते हैं, तो पृथ्वी के नीचे का साइड का आदमी नीचे क्यों नहीं गिरते। जैसे आप मान लीजिए यहाँ आप हैं, तो आप नीचे क्यों नहीं गिरते, क्योंकि आपका नीचे इधर नहीं बल्कि इधर है, और इसका नीचे इधर है, और इन सभी का नीचे पृथ्वी के अंदर इस केंद्र में है। ऐसा इसलिए है कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है। पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी अपने केंद्र की ओर सभी वस्तु को खींचता है, और सभी वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने का प्रयास करता है। जैसे पृथ्वी के किसी भी स्थान पर खड़े होकर अगर किसी भी वस्तु को पृथ्वी से दूर ऊपर फेंकते हैं तो वापस फिर पृथ्वी की ओर खींचा चला जाता है और जमीन पर आकर रुक जाता है। पृथ्वी की ओर इसलिए खींचा चला जाता है कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति पाया जाता है, जिसे हम देख तो नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही किसी वस्तु के भार को हम महसूस कर पाते हैं। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उस वस्तु को उतना ही ज़्यादा बल से पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करेगा, और गुरुत्वाकर्षण शक्ति ठीक उसी प्रकार काम करती है जिस प्रकार चुंबक शक्ति। अंतर सिर्फ इतना है कि चुंबक शक्ति सिर्फ लोहे के वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, और गुरुत्वाकर्षण शक्ति सभी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर पृथ्वी चुंबक का गोला है और पृथ्वी पर सभी पदार्थ लोहे का वस्तु है, जिस प्रकार अब पृथ्वी चुंबक के बल के कारण सभी लोहे के वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करके रखेगा, उसी प्रकार पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सभी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करके रखता है। हम लोगों को ऐसा लगता था जिधर वस्तु गिरते हैं उधर ही नीचे समझने लगते हैं। इसमें कारण यह है कि जिधर वस्तु गिरता है उधर की ओर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, और पृथ्वी हर वक्त गुरुत्वाकर्षण बल लगाती रहती है, इसलिए हम लोग पृथ्वी पर टिके हुए हैं। वरना किसी भी वस्तु को ऊपर फेंकते तो वह वापस पृथ्वी पर नहीं आता, पृथ्वी से बाहर चला जाता। पृथ्वी के किसी भी स्थान पर खड़े होकर जब ऊपर आसमान को देखते हैं तो वह आसमान कोई छत की तरह नहीं है बल्कि वह अंतरिक्ष है, उसका अंत नहीं है। पृथ्वी के ऊपर सभी दिशाओं में अंतहीन अंतरिक्ष है। आप इसे ऐसा भी समझ सकते हैं कि अंतहीन अंतरिक्ष के बीच हमारा पृथ्वी को सजाया गया है। अब आप समझ गए होंगे कि कोई भी वस्तु नीचे की ओर नहीं गिरता बल्कि जिस ओर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उस ओर वस्तु जाने का प्रयास करता है। अब आपको यह भी समझाना आसान हो जाएगा कि पृथ्वी नीचे क्यों नहीं गिरता, क्योंकि पृथ्वी अंतरिक्ष में है, और अंतरिक्ष में ऊपर नीचे दाएं बाएं कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि अंतरिक्ष में ऊपर नीचे दाएं बाएं का कोई अंत नहीं है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारा पृथ्वी के नीचे क्या है, और
इस वीडियो में हमने आपको बताया गुरुत्वाकर्षण के बारे में। अगर आपको गुरुत्वाकर्षण के बारे में समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर नहीं आया तो क्या नहीं समझ में आया वह भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यह आपका चैनल नया है इसलिए इस चैनल को आपका बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही ज्ञान विज्ञान से संबंधित नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सदियों से फैलाए गए कुरीति और अंधविश्वास के विरुद्ध वैज्ञानिक चिंतन के साथ तर्कसंगत बातों को आपके सामने लाने के लिए खड़ा यह चैनल दुनिया को समझने का नज़रिया बदल देगा।